आपका हमारे नए शो में जिसका नाम है मुझे गाना गाना है। तुझे गाना गाना है तो बाहर जाके गा, इधर मत गा, सब लोग भाग जाएंगे। अरे अपने नए शो का नाम है मुझे गाना गाना है। इतना झूठ बोलता है, ये तो पुराना शो है, कुछ भी बात करता है यार। अरे ऐसा बोलना पड़ता है यार, चल छोड़ जाने दे। तो हेलो एवरीबॉडी, आई एम योर इंग्लिश, जाने दे नहीं तो ये फिर से मेरी भी कॉपी करेगा। तो मैं हूँ आपका दोस्त नितिन। चल लोगों का अपना नाम बता। अरे मेरा क्या नाम बताना, सब लोग मुझे जानते हैं। क्या जानते हैं? हाँ क्यों, तू उनके संडा साफ करते है? मेरा मतलब है कि मेरे कला को पहचानते हैं लोग। कला? क्या तेरी बीवी का नाम है? अरे मेरे बीवी का नाम तो संगीता है। क्या तो मैं फिर बापी को बोल दूंगा कि तेरा कला के साथ चक्कर चल रहा है। अरे मेरे बाप, मेरा मतलब है कि मेरे अंदर की टैलेंट को पहचानते हैं लोग। छोड़ो जाने दो, मेरा नाम बता ही देता हूँ, तुम्हें हूँ आप सबका प्यारा दुलारा नितिन। अबे साले असली नाम क्यों बोल रहे है? जो नाटक में वो बता। अरे नाटक में भी मेरा नाम नितिन ही है। ऐसा है क्या? हाँ सॉरी। अबे आगे से ध्यान से आप। हाँ आगे से ध्यान से ही मारूंगा। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। तो हमने आपके लिए ऐसे ऐसे सिंगर ढूंढ निकाले हैं जिनको देखकर आप कहोगे ये नमूने कहाँ से ढूंढ कर लाए हो। उनकी आवाज सुनकर आप कहोगे इससे अच्छे तो हम गाते हैं। उनकी आवाज में जादू है जो आपके कान खराब कर देंगे। अबे साले मेरे को बोलने देगा कि नहीं? ठीक है ठीक है, बोल बोल। हाँ तो अब बचाए क्या ही बोलने के लिए, चल जाने दे। हाँ। ये ले। ये क्या है? ये मेरी माँ ने दी है। तेरी माँ ने? हाँ। अरे भाला भाला भाला। अरे नहीं नहीं नहीं, पिछली बार भी उसकी माँ ने मेरे को बासा खाना खिलाया था, अभी ये भी बासा होगा तो। हाँ अरे नहीं नहीं, अभी अभी बना है, सीधा तवे पे से उठा के लाया हुआ। ठीक है तो देता हूँ। अरे क्या हुआ? तेरी माँ की हाथों में जादू है, बस मुझ पर एक ऐसा करना, ऐसी थर्ड क्लास कुकीज। क्या? Oh, no. फर्स्ट क्लास कुकीज फिर से मत लाना। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे आदत पड़ेगी और तेरी माँ को रोज रोज बनाना पड़ेगा इसीलिए। हाँ वो जाने दे। हाँ चल शो की शुरुआत कर दे। हाँ। अरे शो क्या, शो चलता ही रहेगा। लेकिन वो कुटिका का क्या हुआ? कुटिका? कौन कुटिका? अरे वो पिछले शो में थी, वो नितिन के फ्रेंड। अरे उसका नाम कृतिका है यार। अरे वही वही, उसका क्या हुआ? साले पहले आग लगाता है और फिर पूछता है कि आग कैसे लगी। अरे मैंने क्या किया? तूने क्या किया? हाँ। तूने उसको बोला था ना कि वो उसके भाई जैसा दिखता है और वो उसके बहन जैसी दिखती है। अरे कुछ नहीं यार, मैंने ऐसे ही मजाक में बोला था। अरे तूने मजाक में बोला लेकिन वो सच समझ बैठी और उसे राखी बांधनी चली गई। क्या? अरे लोगों का रक्षाबंधन साल में एक बार होता है लेकिन उसका उसका तो हर रोज होता है। हर रोज? ऐसे कैसे? अरे वो रोज उसे राखी बांधने चले जाते और उसे हर रोज उसे 100 रुपए देने पड़ते। अगर वो बोलेगा कि मेरे पास छुट्टा पैसा नहीं है तो बोलती है कि ये मेरा नंबर ले लो और मोबाइल पे रिचार्ज करवा देना। हंस साले हंस, आज तेरे वजह से वो इस शो में नहीं है। वो जान दे। तो चलो हम हमारे शो की शुरुआत करते हैं। तो बुलाते हैं हमारे पहले जज को जिनका नाम है धर्मेंद्र जी। अपने जज तो सनी देओल थे ना? अरे प्रोड्यूसर ने उन्हें चेंज कर दिया। बोल रहे थे कि बेटा थोड़ा महंगा है, बाप सस्ते में आएगा। ऐसा क्या? हाँ तो फिर सॉरी। ठीक है तो हमारे दूसरे जज को बुलाते हैं जिनका नाम है तनु मलिक जी। अपने जज तो सोनू निगम थे ना? अरे प्रोड्यूसर ने उन्हें भी चेंज कर दिया। लेकिन क्यों? अरे कोनो मलिक जी आके रोने लगा, मुझे काम दे दो काम दे दो, काम नहीं है, इसलिए प्रोड्यूसर ने इन्हें रख दिया। ऐसा है क्या? हाँ तो फिर सॉरी। संभाल के, जोर से लगता है। तो सभी लोग तालियां बजाकर स्वागत कीजिए इनका। तो सर आपको कैसा लग रहा है? कुत्ते क्या तूने मुझे मेरी तबीयत पूछने के लिए बुलाया है? इतने कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा। ओके सर ओके, कोई नहीं पानी पिलाओ। तो सर आपको ये नजारा कैसा लग रहा है? इस पे मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा।
जरूर जरूर। ये समा देखकर मेरा दिल डूबा डूबा डूबा। वाह वाह, तू ही महबूबा, तू ही महबूबा, तू ही महबूबा। वाह 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 वाह, क्या घटिया शेर मारा है आपने, कुछ कहा नहीं तो तुम्हारे कान बज रहे हैं। क्या? तो शो की शुरुआत करें? जरूर जरूर। तो ठीक है, तो बुलाते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट को, जिनका नाम है श्रीदेवी सावंत। अबे उसका नाम श्रीदेवी सावंत नहीं, श्रीदेवी पडवलकर है। अरे जब वो ऑडिशन देने आई थी तभी उसका नाम श्रीदेवी पडवलकर था, और कल ही उसकी शादी होगी इसलिए पडवलकर से सावंत हो गया। ऐसा है क्या? हाँ तो फिर सॉरी। कितनी बार सॉरी बोलेगा? हेलो, हाँ ओके ओके ओके। क्या हुआ? अरे वो डायरेक्टर का फोन था। हाँ? वो सीधी भी नहीं आ रहे आज। क्यों? अरे उसका आज रिसेप्शन है। ठीक है तो चलो, तो बुलाते हैं हमारे दूसरे कंटेस्टेंट को, जिनका नाम है देवानंद। तो देवानंद, आपका नाम देवानंद क्यों है? क्योंकि मेरा नाम ही देवानंद है। अरे ये उसके कहने का मतलब है कि तुम्हारा नाम देवानंद क्यों रखा? हाँ वो क्या है ना, मेरी माँ देवानंद की बहुत बड़ी फैन है, और मेरे पापा वो भी देवानंद के बहुत बड़े फैन है, मेरे दादा और मेरी दादी वो भी देवानंद के बहुत बड़े फैन है, तो इन चारों ने मिलकर मेरा नाम ही देवानंद रख दिया। नाम देवानंद दिखता है शक्ति कपूर क्या? वैसे तुम किसके फैन हो? नहीं मैं किसी का फैन? अरे सर मैं आपका बड़ा फैन। देखा मेरे फैन आज भी जिंदा है। नहीं सर मैं आपका वो बड़ा फैन घर पे वो रिपेयर करने आया था, इलेक्ट्रिशियन प्लस मैकेनिक हो सर। ठीक है गाना गाओ। हाँ तो आप कौन सा गाना गाएंगे? मैं गाऊंगा तुम तो ठहरे परदेसी। वाह वाह वाह, ठीक है गाओ, बेस्ट ऑफ लक। तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? वाह बहुत बढ़िया, वाह शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी लोग तालियां बजाकर स्वागत कीजिए इनका। शुक्रिया शुक्रिया। तो देवानंद जी आपने गाना कहाँ से गाया? मुंह से। अबे मेरा मतलब है कि कहाँ से शुरू किया? यहाँ से। अबे रे गाना कहाँ से सीखा? हाँ तो ऐसा बोलो ना, गाना सीखा नहीं भगवान की देन है। भगवान की देन? अरे आप ऐसे ही गाते रहोगे तो सुनने वाले भगवान को प्यारे हो जाएंगे। क्या? कुछ नहीं, चलो मार देखते हैं। आपने जब गाना शुरू किया मजा आ गया, मैं तो सुनते ही सो गया, इसलिए मैं बाकी का गाना नहीं सुन पाया, फिर भी मैं आपको देना चाहूंगा 8 marks। तो कन्नू जी आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे इस ढक्कन को? अब मेरा मतलब है देवानंद को, देवानंद को। आपने गाना बहुत अच्छा गाया, लेकिन जब भी आपने गाना शुरू किया तब ये सो गए और मैं आपका गाना सुन नहीं पाया, इसलिए मैं आपको देता हूँ 7 marks। तो देवानंद जी को मिलते हैं टोटल 15 marks। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो कन्नू जी हमने सुना है कि आपका नया एल्बम आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, सब नए नए गाने हैं उसमें। नए गाने? सब चुराए हुए गाने हैं? देखिए धर्म जी सब गाने नए हैं और सब गाने मैंने गाए हैं। फिर तो तुम्हारा एल्बम फ्लॉप है। देखिए कन्नू जी आपने एल्बम का नाम नहीं बताया। बताओ बताओ नाम बताओ। जाओ। ये क्या बेहूदगी है, मुझे इन लोगों ने बुलाया है, मैं क्यों जाऊं? जाना है तो तू जा। हाँ बराबर है, आप ऐसे ही किसी को नहीं बोल सकते कि जाओ करके, ये गलत बात है। अरे गधो ये मेरे एल्बम का नाम है, जाओ। क्या घटिया नाम है,
कड़वी गाय की नाम पड़ेगी और चली जाएगी, कोई खरीदेगा नहीं। इससे अच्छा तुम रखो, आओ देखिए। तो भाई और इनकी बहनों, ले देख छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाए, देखती है मुझे गाना गाना है। क्या आपके घर में चूहे हो गए हैं तो मुझे बताइए, क्या आपके घर में छिपकलियां हो गई हैं तो मुझे बताइए, क्या आपके घर में कॉकरोच हो गए हैं तो मुझे बताइए, मुझे बताइए, क्योंकि मेरे घर में भी हो गए हैं। अरे इन्हें कैसे भगाऊं, ये तरीका मुझे बताइए। आ बहुत दर्द हो रहा है। क्या आपके दांत में दर्द है? हाँ। क्या आपके मसूड़ी में दर्द है? हाँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या टूथपेस्ट में नमक? अबे साले तू फिर बोलेगा टूथपेस्ट में मसाला है, हल्दी है? इधर टूथपेस्ट बेचने आया या खाना बनाने का सामान? चल निकल इधर से, निकल। तो आज रात सीआईडी में देखिए, फ्रेडी पर किसी ने गोली चलाई और उसका इल्जाम आया वरुण पर। फ्रेडी पर तो गोली दया सर ने चलाई, लेकिन दया ने कहा कि जब गोली चली तो मैं वहां था ही नहीं, उधर तो अभिजीत था। और अभिजीत ने कहा फ्रेडी पर गोली एसीपी ने चलाई, और एसीपी का कहना है कि नहीं नहीं मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे डाल में कुछ काला लग रहा है। तो देखिए आज रात सीआईडी में आखिर फ्रेडी पर गोली किसने चलाई, और देखिए सी अबे ठीक से खड़े रहो। सीआईडी में आज रात 11 बजे। और आज रात देखिए, एक लड़के ने एक दूसरे लड़के से 100 रुपए उधार मांगे। दोस्त हमारे पास पैसे हैं, मुझे पैसे की जरूरत है। हाँ हाँ है, हे ले लो। और उसके बाद वो 100 रुपए के लिए उसे परेशान करने लगा। हे मेरा पैसा कब देगा? अरे दे दूंगा यार। अरे और उसके बाद वो लड़का उसे परेशान करने लगा, इतना परेशान कर लिया कि आप सोच भी नहीं सकते उसने क्या किया। उसने चोरी की, वो चोर बन गया। और उससे ये सबक मिलता है कि अगर आप किसी को पैसे उधार दें तो उससे बार बार पैसे मांगकर परेशान मत कीजिए, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। हेलो अबे साले मेरे 50 रुपए कब देगा? 2 दिन हो गए मेरे पैसे नहीं दिए तूने, अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना तो ठीक नहीं होगा। हाँ हाँ ओके स्टार्ट। तो 100 रुपए के लिए किसी को परेशान मत कीजिए, तो ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं आज रात 11 बजे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है मुझे घर जाना है। हाँ अरे शो का नाम मुझे घर जाना नहीं, मुझे गाना गाना है। अरे मुझे सच में घर जाना है। लेकिन क्यों? क्योंकि आए तब से झगड़ा ही करते जा रहे हैं। आपको क्या मालूम है संगीत के बारे में? तुम्हें क्या मालूम है एक्टिंग के बारे में? ये एक्टिंग का नहीं गाने का शो है। फिर भी मुझे बुलाया है, तुम्हें कभी बुलाया है किसी एक्टिंग के शो में? देखिए दिखाओ। अरे चुप बैठो। मेरा मतलब है कि आप शांत नहीं रहोगे तो गाना कैसे सुन पाओगे? ठीक है शुरू करो। तो आ रहे हैं हमारे अगले सिंगर जिनका नाम है सुरेश। तो उनका नाम है सुरेश राज चमनलाल मोतीचंद विक्रम प्रसाद दास प्रताप सिंह। सब कितने सिंगर आ रहे हैं? अरे ये एक ही सिंगर का नाम है। ये सिंगर का नाम है कि 12 डब्बों की लोकल है? अरे वो जाने देना। तो आ रहे हैं मिस्टर। अबे अभी बस कर, अभी बोलेगा तो सुबह हो जाएगी। एक बार इधर। तो आपका इतना बड़ा लंबा नाम है तो इसमें आपका पिताजी का नाम कौन सा है? नहीं सर इसमें मेरे पिताजी का नाम नहीं है, उनका नाम मेरे से भी लंबा है, सुनाऊं? नहीं 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 नहीं। ए तू गाना सुना। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, ला 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 ला। वाह वाह
क्या गाना गाया है जोरदार गालियां हो जाए। क्या? मेरा मतलब है गालियां हो जाए। तो मिस्टर सुरेश राज चमनलाल मोतीचंद, अबे बस कर यार। तो भाई साहब आपका इतना बड़ा नाम है, ये किसने रखा और कैसे पड़ा? वो क्या है ना, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। हाँ। जब मैं पैदा हुआ था ना, हाँ? तब हमारे सब मेहमान घर आए थे। तो क्या मामा बोले मैं नाम रखूंगा, चाचा बोले मैं नाम रखूंगा, तो क्या इन सब का झगड़ा मिटाने के लिए इन सब का नाम मुझे दे दिया गया, इसलिए इतना बड़ा लंबा नाम हो गया मेरा। ये तो बड़ी लंबी कहानी है। ठीक है, तो चलते हैं लंबेंद्र जी के पास। अबे सॉरी, चलते हैं धर्मेंद्र जी के पास। तो सर आपको इसका गाना कैसा लगा? आपका गुलाबी सुन के मुझे गुलाबों की याद आ गई, मेरी कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड, इसलिए मैं आपको 10 मार्क्स दूंगा। आपको मिले हैं 10 मार्क्स। तो चलते हैं कन्न जी के पास। तो कन्न जी आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे? मैं इस पे एक शेर सुनाना चाहूंगा। जी जरूर। तेरा गाना सुन के मेरा दिल हो गया फिदा। वाह वाह। गाना सुन के मेरा दिल हो गया फिदा, तू सबसे जुदा सबसे जुदा सबसे जुदा। क्या घटिया शेर मारा है, मेरे बूट की वाट लगा दी। ओ धर्म जी आपने आपका काम कर दिया ना, अब मुझे मेरा काम करने दीजिए। तो करो ना। मैं आपको देता हूँ 8 मार्क्स। क्या, मैंने 10 मार्क्स दिए थे, तूने सिर्फ 8 मार्क्स दे दिए? आपने 10 मार्क्स दिए क्योंकि आपको गुलाबों की याद आई, मुझे किसी की याद नहीं आई। खामोश, अपनी गंदी जबान से गुलाबों का नाम लिया तो तुझे चुन चुन के मारूंगा। मैं चावल का कंकड़ हूं क्या चुन चुन के मारेंगे? सुनो सुनो सुनो, धर्म तू पड़ गया नरम, धर्म तू पड़ गया नरम, तू बैठ के हो सकता है सिर्फ गरम। शुक्रिया 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 के बच्चे अपनी घटिया शायरी बंद कर, वरना यही खाद पड़ेगा ना तो कन्नू मलिक से शोएब मलिक बन जाएगा। देखिए आप ज्यादा बोल रहे हो। अरे चुप रहो। अरे इस शो का नाम मुझे झगड़ा करना नहीं है, मुझे गाना गाना है। खामोश, इस शो में पैसा मैंने लगाया है। इस शो में मेरे अच्छे अच्छे सिंगर भी है। मेरे भाइयों और इनकी बहनों, ये मुझे बताते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि ये शो यही खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। देखो मैं जवानी में बहुत हिट था। देखिए मैं भी जवानी में बहुत हिट था। देखो मेरी कॉपी मत करो। आप भी मेरी कॉपी मत कीजिए। देखो इसे बताओ कि मेरी, अरे ये सब कहाँ गए? अरे ऑडियंस किधर है? सिंगर कहाँ चले गए? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मतलब कभी से हम दोनों ही बड़बड़ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, चलिए मेरे घर पे डिनर करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, कितने दिनों से फोकट का खाना नहीं खाया है। चलो।